नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं गुड़गांव गई थी, गुरुग्राम गई थी, वहाँ से जो मैं सामान लेकर आई थी उसका एक हॉल वीडियो। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं वहाँ गई थी तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जाने का कोई भी प्लान नहीं था, तो थोड़ा बहुत ही मैं सामान ले पाई। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को प्लान नहीं करते हो कि आप अगर कोई चीज़ खरीदोगे तो उसे कहाँ लगाओगे, तब तक मतलब मज़ा नहीं आता चीज़ को लेने में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह का, थीम का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, बस रेगुलर सी चीज़ें खरीदी हैं। लेकिन इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले मैंने किचन के लिए भी कुछ सामान खरीदा था, वो भी मैं आज इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो मैंने बंजारा मार्केट से, हाँ, बहुत सारी फ्रेंड्स ने शिकायत करी कि मैं गुड़गांव आई और आप लोगों को नहीं बताया। रियली सॉरी, फिर से बता दे रही हूँ कि प्रोग्राम बिल्कुल ऐसा बना था, रात को ही प्रोग्राम बना था, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं कर पाई। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने बंजारा मार्केट से सामान खरीदा है। उसमें है देखिए कुछ इस तरीके के किचन के, ये कॉपर के बने हुए हैं, ये इस तरह से हैं, ये जैसे छोंका वगैरह लगाने के लिए होते हैं वो हैं। लेकिन ये मुझे 100 रुपीस में दोनों पीस मिले हैं, थोड़े पुराने से हैं। देखिए इसमें थोड़ी सी जगह जगह से जो इसकी कॉपर की पॉलिश है वो हटी हुई है, इसीलिए ये 100 रुपीस में मिल गए। और इनसे मैं कुछ DIY बनाऊंगी और किचन को डेकोरेट करने का कोई बहुत ही प्यारा सा आइटम बनाऊंगी। और वैसे इस तरीके के आइटम्स अगर आप डेकोर पीस किचन के लिए लेते हो तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं, लेकिन मैं इससे बना लूंगी। तो ये है मेटल के दो डेकोर पीस, मतलब मजबूत मेटल है और ये लगने के बाद भी बहुत अच्छे लगने वाले हैं। और क्योंकि मैंने कोई थीम डिसाइड नहीं करी थी, इसलिए सिंपल मैंने ये ली, क्योंकि इनको तो, इन डेकोर पीसेस को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। ये दोनों मुझे पड़े थे 350 रुपीस के, दोनों मिले थे। लेकिन अगर आप इन्हें कहीं अमेजोन वगैरह पर ट्राई करोगे तो आपको ये एक पीस ही 1500 से नीचे का नहीं मिलेगा। वैसे सेल वगैरह मिल चलती रहती है तो उसमें हो सकता है थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, लेकिन अच्छे पीस हैं ये दो मैंने लिए। इसमें जो मेरा मन था लेने का वो बड़े पीस मिल रहे थे, इतने बड़े पीस थे वो लेने का मन था। लेकिन वो जो मैं सोच रही थी, जैसे मैं सोच रही थी एक बड़ा पीस मिल जाए जैसे, और उसी का ही छोटा मिल जाए, दोनों सेम हो, एक बड़ा एक छोटा, वो नहीं मिले, इसलिए मैंने इस हाइट के दोनों पीस लिए। ये 400 का था शायद, 350 या 400 का था ये वाला पीस। पूरे पे मिरर्स लगे हुए हैं, साइड में दो हैंडल्स हैं, जैसे ये किले वगैरह में जो राजा महाराजा के किले होते हैं ना, उसमें बड़े बड़े से रखे रहते हैं साइड में, ये कुछ उस तरीके का है। बहुत ही प्यारा लगा, इसका भी कोई दूसरा पीस नहीं था। अगर दूसरा पीस होता मैं दूसरा पीस जरूर लेती, ये मुझे बहुत ही पसंद आया था देखने में। जहाँ पे थोड़ा सा रेट्रो लुक वाला सामान रखा था वहाँ पे था ये, तो पसंद आया था मुझे। तो वैसे भी जो मिरर वर्क की चीज़ें होती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। इसमें भी मैं पूछ रही थी कि कोई बड़े छोटे पीस हों तो मैं उन्हें ले लूँगी, लेकिन इसमें भी कोई पीस जो है अलग से नहीं मिले। और मैं गई थी गुड़गांव परसों, तो कल ये सारा सामान ला के मैंने बाहर ही छोड़ रखा था, सैनिटाइज वगैरह किया प्रॉपरली, तब मैं लेकर आई। और जाना मेरा कोई प्लान नहीं था, मतलब अनएक्सपेक्टेड सा ही जाना हुआ। तो वैसे भी जो अब डेकोरेशन है इस बार, क्योंकि बाहर से तो ऐसा कोई भी सामान मैं नहीं लेकर आ रही हूँ, तो जो भी घर की मेरी चीज़ें हैं इनसे ही कुछ डेकोरेशन करने की कोशिश करूँगी। और अगर जाऊँगी ना कहीं पे भी तो आप लोगों को पहले से अपडेट करके ही जाऊँगी। तो ये था। और इसके अलावा एक चीज़ और जो मुझे बहुत पसंद आई थी वहाँ पे और मैंने देखते ही साथ ले ली थी, वो ये थी, देखिए मिरर ट्रे। और ये भी ना दो का सेट है, इसमें ये बबल वाला प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, अच्छी तरीके से पैक था तो आ भी गया ये गाड़ी में। तो ये दो का सेट था इस तरह से। जो मेरे पास एक मिरर की ट्रे है, तो वो जब भी मैं लगाती हूँ ना उसके ऊपर कोई भी शोपीस रखती हूँ तो आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं और आप हमेशा पूछते हैं कहाँ से ली। वो मैंने एक लोकल शॉप से ली थी। और मैंने ट्रे, मुझे वैसे भी पसंद है जैसे, क्योंकि इसमें जब कभी भी कोई डेकोर पीस रखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। और अगर ये ट्रे कांच की हो, इस तरह से अंदर से मिरर हो, कांच नहीं मिरर हो,
तो इसके ऊपर जो भी पीस रखते हैं ना वो डबल इमेज आ जाती है उसकी, तो बहुत ही सुंदर लगता है। अगर इस तरीके की ट्रे हम लेंगे किसी भी तरीके की मिरर वर्क की ट्रे अमेजोन पे, जो क्योंकि मैं अमेजोन पे ही मैंने देखा था, लोकल शॉप पे तो मार्केट थोड़ा जाना कम है तो मैं नहीं ट्राई कर पा रही हूँ, तो अमेजोन पे भी 1000 से ऊपर ही थी। और ये दोनों ही मुझे 450 में पेयर मिला है। ये बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ इसमें देखिए इस तरीके से मिरर का काम हो रहा है। और इसमें ना बहुत सारे डिजाइन थे, कलर भी थे डिजाइन भी थे। मुझे सिंपल कलर चाहिए था, मतलब कोई भी मिरर के साथ कलर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने प्लेन ली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको केवल हम इन पे हम ट्रे की तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम चाहें तो इस तरीके से वॉल पे भी लगा सकते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ और जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी वो थी एक ग्रीन कलर की पत्तियाँ थी उस पर, और बीच में मिरर लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर था वो मिरर। मुझे इसलिए पसंद आया कि नॉर्मली जो मिरर मिलते हैं वो ऐसे होते हैं कि उसके चारों तरफ या तो सिल्वर डिज़ाइन होता है या गोल्डन डिज़ाइन होता है, लेकिन उसमें बिल्कुल डिफरेंट लीव्स थी बड़ी बड़ी और बड़ी कलरफुल सी थी। तो गोल्डन कलर के तो मिरर मेरे पास हैं काफ़ी, गोल्डन भी हैं सिल्वर भी हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट कलर का पैटर्न था। तो अगर आप मिरर खरीदने की सोच रहे हैं ना तो कुछ डिफरेंट पैटर्न का मिरर लीजिएगा, क्योंकि अब जो सिल्वर और गोल्डन वाले मिरर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हाँ, इसके अलावा जो मैं फ्लावर की शॉप पर गई थी, मैंने आपको बताया था मैं अपना कैमरा लेने के बाद मैं जो फ्लावर की शॉप थी वहाँ गई थी ना, तो वहाँ से देखिए मैंने कुछ इस तरीके की आर्टिफिशियल बेलें ली हैं। अब इसमें जो एक बहुत ही सुंदर थी वो बोगेनविलिया की थी, ये बाहर लगा भी हुआ है मेरे यहाँ बोगेनविलिया, एक वाइट कलर का है और एक बिल्कुल इसी तरीके का पिंक कलर का लगा हुआ है। ये मैंने इसलिए ली कि जो अंदर वाले मेरे बेडरूम है ना, इनमें प्लांट्स बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब मुझे रखने पड़ते हैं और फिर बाहर निकालने पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं जो हूँ ये लेकर आई हूँ। तो जैसे अंधेरे वाली जगह पे, जैसे बाथरूम है वो भी पीछे के हिस्से में है जहाँ पे रोशनी नहीं आती है, तो वहाँ पे कुछ ग्रीनरी रखने के लिए मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं ये सब लेकर आई। कलरफुल लुक अगर आपके डल कलर के कर्टन से हम किस साइड में लगाने पे बहुत अच्छा लगता है, प्लेन वाइट कलर की अगर वॉल है उस पर बहुत अच्छा लगेगा, और किसी भी कॉर्नर को ब्राइटन अप करने के लिए भी, मतलब थोड़ा सा चमकीला या अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी आप इस तरह के कलरफुल बेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगा था मुझे ये कलर। और कुछ नहीं तो उसे बाहर बालकनी में लगा दीजिए। जो ये प्लास्टिक वाली जो इस तरीके की आर्टिफिशियल जो ये होती है ना बेलें, बाहर खराब नहीं होती हैं, और मैंने तो एक धूप में लगा रखी है, वो धूप में ढाई तीन साल से लगी हुई है, उसका कलर अभी तक वैसे का वैसे ही है। तो आप इसे चाहें तो बाहर भी लगा सकते हैं, तो आपकी बालकनी के एरिया को भी या आउटर एरिया को भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देगा। तो था मेरा वहाँ का सामान, और जो मैं कैमरा लेकर आई हूँ वो मैं दूसरे किसी वीडियो में देखो शेयर करती हूँ आपके साथ। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि मेरी जो कढ़ाई है ना, स्टील की कढ़ाई, क्योंकि एल्युमिनियम तो अब मैंने कढ़ाइयाँ निकाल दी हैं अपनी किचन से, तो जो मेरी स्टील की कढ़ाई है विनोद वाली, वो जो है उसमें ना ऑयल बहुत डालना पड़ता है, क्योंकि उसका जो नीचे का ये सरफेस है बिल्कुल चपटा है। तो मैंने एक ये ली कढ़ाई, ये भी स्टील की है और बहुत हैवी है, ये उठाने में काफ़ी हैवी है, बहुत ही मतलब बढ़िया लगी मुझे ये। जिस दिन वो वीडियो शूट किया था उसके शायद नेक्स्ट डे ली थी, इस तरीके की काफ़ी हैवी स्टील की कढ़ाई है, जलेगी नहीं क्योंकि ये बहुत भारी है। और ये जो ब्रांड है वो कोई इंडियन ब्रांड है, ये है श्री एंड सैम, शायद 900 रुपीज़ में आई थी ये, हाँ 900 रुपीज़ की थी ये शायद, थोड़ा सा इसमें उन्होंने लेस भी किया था, तो समझ लीजिए 850 की पड़ी होगी, इससे ज़्यादा तो लेस नहीं किया होगा, बढ़िया कढ़ाई है ये। और इसके अलावा मैंने ना अभी काफ़ी दिन पहले, दो महीने हो गए शायद, मैंने रिलायंस के ट्रेंड से कुछ कुर्तियाँ खरीदी थी फ्रॉक वाली, आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। तो उन दिनों उस पर स्कीम चल रही थी कि अगर 5000 की खरीदारी करो तो एक आपको मिक्सी मिलेगी 300 रुपये दे के। मेरे पास जो मिक्सी है, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो कौन से ब्रांड की है, तो जो छोटा वाला मेरा मिक्सर है वो है वंडर शेफ का, और अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं अगर उसका रिव्यू दूँ तो ये है कि मतलब एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है, और छोटे मोटे कामों के लिए ही वो सही है, जो जार की कैपेसिटी है वो भी बहुत कम है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अभी तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप वंडर शेफ का वो छोटा वाला लो,
तो मेरी जो बड़ी वाली किचन मशीन है, मतलब मिक्सर जूसर ग्राइंडर है, वो काफी दिनों से खराब है। मतलब उसके मैं नए जार भी ले आई थी, तो कभी तो चल जाते हैं कभी नहीं चलते हैं। तो मैं सोच रही थी नई मिक्सी लेने की, तो फिर मैंने उसकी जगह ये इनालसा का ना वहीं से 300 रुपीज दे के ले लिया। मुझे लगा कि भाई 300 रुपए दे के अगर मैं इसे यूज कर लूंगी तो अच्छी डील है, तो मैंने इसे ले लिया। वैसे अगर ये सही नहीं चलती है, मतलब इसे मैं इसे ही यूज करूंगी, और अगर ये सही नहीं चलेगी तो मैं एक नया मिक्सर ग्राइंडर खरीदूंगी जरूर, क्योंकि दिवाली पे तो बहुत सारी स्कीम आएंगी, तो मैं लेने वाली हूँ नया मिक्सर ग्राइंडर। मुझे ना छोटी चीजें पसंद है किचन में, क्योंकि मेरी किचन छोटी है, तो अगर मैं बड़ी मिक्सी ले लूंगी तो होगा क्या, वो किचन में बहुत सारी जगह घेरेगी, तो उस हिसाब से ये छोटी सी है ना, छोटी मशीन है ये मुझे पसंद है, तो इसलिए ये छोटी सी सही है। इनालसा की फ्यूजन है ये, अब देखते हैं कैसी निकलती है। तो अगर ये अच्छी निकली ना तो ये सस्ती, अगर इसकी MRP देखूं तो शायद 1500 इसकी MRP लिखी हुई, तो इसका रिव्यू मैं यूज करने के बाद आपको दूंगी। सस्ती मिक्सी है, कैसी निकलेगी बता दूंगी आपको। तीन है ये, तीन जार है। अगर ये इसका रिव्यू अच्छा निकलेगा ना, तो इनालसा की इस रेंज में मिक्सी अच्छी, इसका रिव्यू मैं जरूर दूंगी आप। मेरे पास बड़ी थालियां थी, मैंने आपके साथ शेयर करी थी ना, बड़ी थालियां थी जिसमें उन्हीं में ही मतलब कटोरियां बनी रहती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं, कटोरियां गंदी नहीं होती, और वैसे भी अभी तो मेड नहीं आ रही है तो खुद धोनी पड़ती हैं। तो फिलहाल मैंने मतलब थाली मुझे पसंद है, मेरे घर में सब लोगों को थाली में ही खाना खाना पसंद है, अब उसके लिए डिशेज भी ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। तो ये इस तरीके की है, देखिए बड़ी थाली में लेकर आई थी, चार थाली का सेट है। पुरानी थालियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, बट हुआ क्या ना, कोई कहीं से चटक गई है, और किचन में क्या होता है ना, अलग अलग तरीके की इकट्ठी हैं, तो मैंने एक जैसी के लिए एक जैसी रहे तो ये थाली ले ली, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारा आइटम डिस्कार्ड किया था किचन में, आपके साथ शेयर किया था, तो इस तरीके की थालियाँ ली हैं, ये चार ली हैं मैंने। मिल्टन की भी थालियाँ आती हैं, अच्छी रहती हैं, मिल्टन की थाली आप शॉप पे मांगिएगा, मिल्टन की थाली देखने में भी सुंदर होती हैं, कलर भी उनका सही रहता है और हमेशा अच्छी रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा हॉल जो कि ये सब सामान मैंने तब खरीदा था जब मैं परसों गुरुग्राम गई थी। कोई भी चीज़ अगर आपको अपने काम की लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।